हाँ जी नमस्कार, राधे राधे हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव आज इस कुंडली पे बात करेंगे, इस वीडियो पे बात करेंगे कि शुक्र महाराज की गोचरी स्थिति। शुक्र महाराज गोचर कर रहे हैं 7 अगस्त को सायंकाल 5:12 के आसपास, और यह 31 अगस्त तक कर्क में ही गोचर करेंगे, शाम को 4:08 के आसपास तक। पुनर्वसु से अपनी यात्रा आरंभ करेंगे, पुष्य में जाएंगे और अश्लेषा में जाके बंधन में फंसेंगे, ठीक है ना। तो जो शुक्र की गोचरी स्थिति है आपके लिए क्या परिणाम देने वाले हैं? शुक्र संसार में जो सुंदरतम चीज है वो शुक्र है, संसार को अच्छा बनाने की जो प्रक्रिया है वो शुक्र है। हम बेहतर हो जाएं, हम बेहतर करें, हमें लोग जाने, ये सब कुछ आकर्षण जो है ना, वो आकर्षण का केंद्र बिंदु शुक्र है। विलासिता शुक्र है और थिरकते हुए पैर भी शुक्र है, नाइट की पार्टी भी शुक्र है, और वहां पे बहता हुआ जो शराब है वो भी शुक्र ही है। तो शुक्र विलासिता का कारक है, कलिकाल में इनकी बड़ी महिमा है, लक्ष्मी पुत्र कहे जाते हैं। और जिसके पास पैसा है उसके पास सब कुछ है, फिर वो सत्ता भी उसी के पास है, प्रतिभा भी उसी के पास है। तो शुक्र महाराज का जो गोचर है, मन के स्वामी चंद्रदेव के कर्क राशि में क्या परिणाम देगा आपको, मेष लग्न से लेके मीन लग्न तक, मेष राशि से लेके मीन राशि तक आपके लिए शुभ होंगे या अशुभ होंगे, तो शुभता को बढ़ाने के लिए कौन से उपाय करना चाहिए और अशुभता को दूर करने के लिए कौन सा उपाय करना चाहिए, इसकी चर्चा करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आए तो दूसरों को जानकारी के लिए शेयर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की चर्चा। तो मेष लग्न मेष राशि, मेष लग्न मेष राशि में आपके शुक्रदेव दो दो धन भावों के स्वामी हैं, व्यापारेश हैं, और पैसा जहां जाके जमा होता है बैंक का, तो बैंक के स्वामी हैं। अब ऐसे शुक्रदेव कोशिश करेंगे कि आपके घर में सुख सुविधा देने के लिए, तो आप इस बीच में बढ़िया बेड खरीद सकते हैं, घर का वो डेकोरेशन आइटम खरीद सकते हैं, घर की साज सज्जा पे आपका विशेष फोकस होगा। इसमें आपका फोकस होगा कि आपका घर अट्रैक्टिव लगे, सबसे बेहतर दिखे। तो रंग रोगन करा सकते हैं, घर में फर्नीचर परचेज कर सकते हैं, घर के पर्दे बदल सकते हैं, घर में कोई ना कोई डेकोरेशन का आइटम आप लेके आएंगे, घर की सजावट आपके हाथों से इसमें होनी सुनिश्चित है। अब ऐसे में घर वालों का स्नेह भी मिलेगा, शुक्र जहां जाते हैं वहां से स्नेह भी देते हैं, तो स्नेह भी देंगे। और मजे की बात यह है कि बच्चों की माँ और आपकी माँ का इसमें मिलन हो रहा है, आपके कुंडली में सप्तम भाव और चतुर्थ भाव का मिलन हो रहा है। तो सप्तमेश चतुर्थेश का जो मिलन है वो दोनों महिला शक्तियों का मिलन है, तो आपके लिए भी एक सुकून की बात है। अगर आप दूर रहते हैं तो यात्रा बनती है, यहाँ जाके आप मेल मिलाप करते हुए प्रतीत हो रहे हैं। तो शुक्र की गोचरी स्थिति आपको धन धान्य देने वाली है, व्यापार देने वाली है, भूमि भवन वाहन से लाभ देने वाली है। अब जब ये पुनर्वसु में जाएंगे तो स्टार्टिंग में आपको जो इनका एक चरण में गोचर है तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा प्रयास बार बार करना पड़ सकता है, लेकिन पुष्य में जाएंगे तो पोषण का काम करेंगे, परिवार में समृद्धि आएगी। वहीं जब अश्लेषा में जाएंगे तो बंधन का काम करेंगे, किसी को भावुकता में आके कोई वादा ना कर लीजिएगा, कोई वचन मत दे दीजिएगा, नहीं वचन बांधने का काम करेगा। तो यहाँ पे पुष्य पुनर्वसु दोनों में अच्छा फल देते हुए प्रतीत हो रहे हैं, वही जब अश्लेषा में जाएंगे तो फल में कमी आ जाएगी। क्या उपाय करें? तो शुक्र के मंत्रों का जाप आपके लिए श्रेष्ठ फल देने वाला है, माँ लक्ष्मी की आराधना आपको श्रेष्ठ फल प्रदान करने वाली है। लोगों को अपनी माता को या अपने बच्चों की माता को गिफ्ट दीजिए, सफ़ेद चीज़ों का गिफ्ट दीजिए, मिठाई खिलाइए, बेहतर परिणाम मिलने वाला है। वृषभ लग्न वृषभ राशि, वृषभ लग्न वृषभ राशि में शुक्रदेव आपके लग्न के स्वामी हैं और साथ में खष्टेश हैं। ऐसे लग्नेश और खष्टेश पराक्रम के घर में गोचर कर रहे हैं तो आपके पराक्रम में होगी वृद्धि, आप मेहनत करेंगे, लेकिन खष्टेश हैं तो बंधु बांधवों से बिगड़ न जाए इस बात का विशेष ख्याल रखें, क्योंकि आपके लग्न में मंगल महाराज बस आने ही वाले हैं
और मंगल का जो तेज होगा वो लोगों को डिस्कनेक्ट कर सकता है, लेकिन यहाँ पे पराक्रम करते हुए आप प्रतीत हो रहे हैं। बंधु बांधवों से मुलाकात हो रही है, पुराने मित्र जो बिछड़ गए थे उनसे भी आपको लाभ हो रहा है। तो आपके लग्न से तृतीय है तो पराक्रम का लाभ होगा। आपके खष्टम भाव से देखें तो खष्टम भाव से ये दशम है तो शत्रुओं से भी आप लाभ ले सकते हैं, शत्रुओं से भी लाभ ले सकते हैं। किसके माध्यम से? मित्रों के माध्यम से, पराक्रम के माध्यम से। तो पराक्रमी बनिए, उत्तिष्ठ जागृत, उठिए जागिए, मेहनत करिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आपके लग्नेश हैं अतः लग्नेश को मजबूत करना आपके लिए कल्याणकारी है। शुक्र के मंत्रों का जाप करें, सफ़ेद वस्त्रों को धारण करें, हो सके तो एक ओपल पहने या अमेरिकन डायमंड पहने, वो भी आपको सूट करेगा। मिथुन लगन मिथुन राशि, मिथुन लगन मिथुन राशि में जो शुक्र महाराज का गोचर है वो द्वितीय भाव में धन के भाव में होगा। अब आपके पंचमेश पंचम भाव मतलब संतान, संतान का स्वामी धन भाव में गोचर करेगा तो अच्छा है, बुद्धि से आप धन कमा रहे हैं। विदेश का स्वामी गोचर कर रहा है आपके धन भाव में तो विदेश से भी आप पैसे कमा सकते हैं, आप विदेश से पैसे कमाते हुए प्रतीत हो रहे हैं। आपके जो आय के स्वामी है मंगल, अब ऐसे मंगल महाराज विदेश में गोचर कर रहे हैं, विदेश में गोचर करने वाले हैं तो विदेश से भी आप अगर कनेक्ट होते हैं, विदेश से कनेक्शन बनाते हैं तो विदेश से आपको सफलता मिलेगी, विदेश से आपको पैसा मिलेगा। आपके द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं तो बैंक तक पैसा जाएगा, कहाँ तक जाएगा? बैंक तक पैसा जाने की स्थिति ग्रह गोचर बता रहे हैं। तो यहाँ पे आप निश्चित रूप से पैसा कमाते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना, निश्चित रूप से पैसा कमाते हुए आप दिखाई दे रहे हैं, कोई डाउट ही नहीं है कि पैसा आप ना कमाएं। तो हर तरह से आपके लिए स्थितियां लाभकारी बनती हुई दिखाई दे रही हैं। कर्क लग्न कर्क राशि, कर्क लग्न कर्क राशि में जो स्थिति बन रही है, आपके शुक्रदेव महाराज लग्न में गोचर करेंगे। कहाँ पे? लग्न में। लग्न में गोचर करने से सुख का स्वामी, सुख का स्वामी अपने से दशम गोचर कर रहा है, इससे बेहतर क्या हो सकता है? तो सुख ही सुख मिलेगा। किसको सुख मिलेगा? आपको सुख मिलेगा, आपके शरीर को सुख मिलेगा, लोग आपको प्यार देंगे, लोग आपको स्नेह देंगे, एक ग्लो होगा आपके चेहरे में, एक आकर्षण होगा जिससे लोग कनेक्ट हो जाएंगे, और ये आकर्षण लाभ का है अतः लाभ की प्राप्ति होगी। बड़े भाइयों से लाभ, बड़े मित्रों से लाभ, पिता के धन का लाभ, भूमि भवन वाहन का लाभ। सप्तम दृष्टि जीवन साथी पे है तो जीवन साथी का लाभ, जीवन साथी से लाभ। तो कर्क लगन कर्क राशि वालों के लिए जो शुक्र की गोचरी स्थिति है बेहतर नहीं बेहतरीन जाने वाली है। बस अपने शुक्र को मजबूत रखें, माता का आशीर्वाद लें, गुरु पत्नी का आशीर्वाद लें, आपके लिए मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। सिंह लग्न सिंह राशि, सिंह लग्न सिंह राशि में जो शुक्र महाराज हैं आपकी कुंडली में कर्म के स्वामी हैं और पराक्रम के स्वामी हैं। अब इनका गोचर हो रहा है द्वादश भाव में, थोड़ा सा सावधान रहना है आपको। इस समय TD वगैरह भेजा जा सकता है, अगर आप नौकरी करते हैं तो आपको यात्रा पे निकलना पड़ेगा। किसकी यात्रा पे? नौकरी के निमित्त यात्रा करनी पड़ेगी आपको, अतः तैयारी करके रखिए। सरकार आपको भेजेगी, कंपनी आपको भेजेगी, कहाँ जा सकते हैं? तो भाई विदेश का टूर बन सकता है। किसका टूर बन सकता है? विदेश का टूर बन सकता है। तो विदेश तक का सफर होता हुआ प्रतीत हो रहा है, और यहाँ पे आपकी कुंडली में पराक्रम के स्वामी है तो विदेश में जाके आप पराक्रम करेंगे, थोड़ा खर्च भी करना पड़ेगा। तो एक दूर की यात्रा आपकी बनती है, एक दूर की यात्रा आपकी कुंडली में लिखती है इस समय। तो आप तैयार हो जाइए, यात्रा आपको शुभ होगी, मंगलमय होगी। हाँ, अगर आपकी बड़ी यात्रा नहीं है तो फिर यहाँ पे शुक्र आपके खर्च भी कर सकते हैं, क्योंकि शुक्र तो यात्रा आपको करवाएंगे, नई नौकरी के निमित्त जाएंगे तो घर के कार्यों के निमित्त जाएंगे, तो कहीं ना कहीं यात्रा आप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अच्छा ये है कि 17 अगस्त के बाद आपके कुंडली में आपके लग्नेश लगन में ही गोचर करेंगे तो उसके बाद की जो यात्रा होगी वो आपके लिए शुभकारी होगी, फलदायी होगी। कन्या लगन कन्या राशि, कन्या लगन कन्या राशि वालों के लिए शुक्र की गोचरी स्थिति है वो सोने पर सुहागा जैसी है, बहुत अच्छी स्थिति है। धन भाव का स्वामी लाभ के घर में, धन का स्वामी लाभ के घर में, भाग्य का स्वामी लाभ के घर में, श्रेष्ठतम योग है। तो जैसे कर्क लगन वालों के लिए श्रेष्ठतम योग है, वैसे कन्या लगन वालों के लिए श्रेष्ठतम योग है। तो शुक्र की गोचरी स्थिति आपको धन देने वाली है। कैसे देगी? पुनर्वसु में, जो काम आप छोड़ दिए हैं उसको फिर से करिए। फिर इसके बाद पुष्य नक्षत्र आ रहा है, पोषण का काम, लोगों से मिल के रहिए, नीचे तबके कुचले जो लोग हैं उनकी सहायता करिए। शनि आपको बहुत कुछ यहाँ पे देने वाला है।
बुध की अश्लेषा नक्षत्र में भी शुक्र पैसा दे देगा, क्योंकि अश्लेषा किसका है? प्रधानमंत्री का है। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि व्यापारी आया है, प्रधानमंत्री ने उसको कवर कर लिया है, उसको कैप्चर कर लिया है, तो प्रधानमंत्री को सब कुछ दे के जाएगा। ऐसी स्थितियां बनती हुई यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो कन्या लगन कन्या राशि वालों के लिए जो शुक्र की गोचरी स्थिति है, किसी वरदान से कम नहीं है। आपके सारे बिगड़े हुए काम यहाँ पे बनते हुए प्रतीत हो रहे हैं और बहुत मात्रा में आप लाभ कमाते हुए प्रतीत हो रहे हैं। तुला लगन तुला राशि, तुला लगन तुला राशि में जो गोचरी स्थिति है आपके कर्म भाव पे है, तो कर्म में आपके प्रवीणता आएगी, कर्म में कलात्मकता आएगी। कोई भी काम करेंगे ना, एक बेहतरीन नजाकत के साथ काम करेंगे, एक बेहतरीन तरीके से आप काम करेंगे, तो यहाँ पे निश्चित रूप से आपको लाभ होता हुआ प्रतीत हो रहा है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अष्टमेश हैं, क्या है? शुक्र अष्टमेश हैं, तो ये थोड़े से अभी पिता को भी पीड़ा दे सकते हैं। पिता के घर में चल रहे हैं, पिता को पीड़ा दे सकते हैं। आप इसमें कुछ ऐसी वैसी हरकत ना करिएगा, क्योंकि शुक्र अगर आपका रोमांटिक हुआ तो अश्लेषा में जाके बंधन युक्त हो जाएगा, बांध दिए जाओगे, परेशानियों में बांध दिए जाओगे। तो अपने मनोभावनाओं को, अपने उठती हुई वेगों को कंट्रोल करके रखिएगा, ठीक है ना, नहीं तो यहाँ पे परेशानी का सब बन जाएगा। फिर भी शुक्र की गोचरी स्थिति आपके लिए बेहतर परिणाम देकर जाती हुई प्रतीत हो रही है। वृश्चिक लगन वृश्चिक राशि, वृश्चिक लगन वृश्चिक राशि में शुक्र महाराज आपके व्यय के स्वामी हैं, साथ में सप्तम भाव के स्वामी हैं, गोचर करेंगे अपने से तृतीय, सप्तम से तृतीय। तो सप्तम से तृतीय मतलब जीवन साथी पराक्रमी होगा, या अगर आपको जीवन साथी की तलाश है तो धार्मिक यात्रा करिए। धार्मिक यात्रा करते हुए जीवन साथी आपको रास्ते में टकरा जाएगा। तो वृश्चिक लगन वृश्चिक राशि वालों को अगर जीवन साथी की तलाश है, या रिश्ते टूट गए हैं, नए रिश्ते की तलाश है, तो किसी धार्मिक यात्रा पर जाइए महाराज। 7 अगस्त से 31 अगस्त के बीच में धार्मिक यात्रा पर जीवन साथी मिलने वाला है। आपका लग्न भी इसमें सप्तम में चल रहा होगा, तो शरीर भी खोज रहा है कि जीवन साथी मिले। तो अतः आपके लिए जो स्थितियां बन रही हैं, राधे राधे करते हुए भ्रमण पे जाइए और कहीं ना कहीं आपके साथ भजन करने वाला कोई मिल जाएगा। तो आपके लिए गोचरी स्थिति शुभ और बेहतर परिणाम देने वाली है। धनु लगन धनुराशि, धनु लगन धनुराशि में जो शुक्र महाराज होते हैं बहुत अच्छे नहीं होते, यद्यपि लाभ के स्वामी हैं लेकिन खस्टेश हैं। और ऐसे शुक्र महाराज चल रहे हैं अष्टम भाव में, तो शत्रुओं का नाश अच्छा है, शत्रुओं पे आप पड़ेंगे भारी, लेकिन प्रतिस्पर्धा में आप जाएंगे पीछे हो जाएंगे। तो प्रतिस्पर्धा परीक्षा के लिए यह ठीक समय नहीं है, लेकिन शत्रुओं पे तो आप निश्चित रूप से भारी पड़ रहे हैं। बड़े भाइयों से आपको लाभ हो सकता है, और इसमें जो लाभ होगा वो गहनता में जाके होगा, मैंने जमीन के नीचे से। तो अगर आपको यात्रा करनी पड़ रही है तो ऐसे जगह जाइए जो आपके धरातल से वहाँ का धरातल नीचे है, तो नीचे लेवल पे जाइए, आपको निश्चित रूप से यहाँ पे लाभ होगा, निश्चित रूप से लाभ होता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो शुक्र के रेमडी मनाए, शुक्र की एनर्जी को धारण मत करिए, शुक्र की एनर्जी को डिस्कनेक्ट करिए, क्योंकि शुक्र आपके खस्टेश है, एकादशेश है, खस्टम से खस्टम है, अतः परेशानी दे सकते हैं। मकर लगन मकर राशि, मकर लगन मकर राशि वालों के लिए जो स्थिति है, शुक्र आपके पंचमेश हैं और कर्मेश हैं, तो बेहतरीन स्थिति है, गोचर कर रहे हैं आपकी कुंडली में सप्तम भाव में, केंद्र का स्वामी केंद्र में, त्रिकोण का स्वामी केंद्र में, तो राजयोग बनेगा, हर तरह से यहाँ आपको लाभ में होता हुआ प्रतीत हो रहा है। सबसे बड़ा लाभ क्या होगा? सबसे बड़ा लाभ होगा आपको कि पंचम का स्वामी सप्तम में जा रहा है, तो प्रेम आपका विवाह की परिणित में जा रहा है, विवाह के बंधन में बंधने जा रहे हैं, प्रेम आप प्रकटीकरण कर पाएंगे। तो प्रेम विवाह का योग बन रहा है 7 अगस्त से 31 अगस्त के बीच में, तो अगर आप उस तरफ बढ़ रहे हैं तो यहाँ पे आपकी माता भी आपको सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रही हैं, तो आप उस क्षेत्र में आपको प्रगति होगी। एक सुंदर सा जीवन साथी, एक सौम्य सा जीवन साथी आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। यदि आप इस तरह के क्षेत्रों में नहीं जा रहे हैं तो नौकरी इत्यादि के कार्यों में आपको प्रगति होगी। यदि प्रमोशन आपका पेंडिंग है, इसी बीच में आपका प्रमोशन का ड्यू है, तो इस बीच आपको प्रमोशन मिल जाएगा। अपने शुक्र को मजबूत करिए, एक बढ़िया क्वालिटी का ओपल पहनिए, एक पन्ना पहनिए, यदि आपको पता है आपकी मकर लगन ही है तो निश्चित रूप से आपको यहाँ पे लाभ होगा। कुंभ लगन कुंभ राशि, कुंभ लगन कुंभ राशि में भी शुक्रदेव बहुत शुभ कारक होते हैं, लेकिन इनकी जो गोचरी स्थिति है थोड़ी सी परेशानी देने वाली है, क्योंकि ये जाएंगे खष्टम भाव में। खष्टम भाव में जाके भूमि भवन वाहन का स्वामी खष्टम भाव में, घर में क्लेश, घर में कलह, बेवजह खींचातानी, कोई किसी की बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है, सब सेल्फिश टाइप होते जाएंगे। भाग्य का स्वामी यद्यपि चलेगा अपने से दशम, लेकिन गड्ढे में चल रहा है महाराज।
तो यहाँ पे भाग्य भी सपोर्ट नहीं कर रहा है। बड़े लोग आपको सही समय पे समय नहीं देंगे, बुलाएंगे लेकिन टाइम नहीं देंगे। तो इन स्थितियों से उबरने के लिए शुक्र के मंत्रों का जाप करें, एक ओपल धारण करके रखें, ये परेशानियाँ कम हो जाएंगी, ख़त्म नहीं होंगी। बारिश हो रही है, छतरी लगा लीजिए, भीगने से बच जाओगे। लेकिन सोचो कि बारिश, छतरी खोलने से बारिश बंद हो जाए, तो आप गलत फहमी में हैं। तो उपाय करें, लाभ होगा। मीन लगन मीन राशि, मीन लगन मीन राशि में शुक्र महाराज बिल्कुल अकारक होते हैं, धनु लगन मीन लगन के लिए शुक्र ठीक नहीं होते। अब यहाँ पे शुक्र आपके दो दो आयु भाव के स्वामी हैं, गोचर करेंगे पंचम भाव में, तो संतान संबंधी कष्ट, एजुकेशन संबंधी कष्ट और प्रेम में परेशानी, गलत प्रेमी का चयन, गलत प्रेमिका का चयन, प्रेम में गलत मार्ग का अनुसरण आप कर बैठेंगे। इसलिए आपके गुरु भी वक्री हैं तो बड़ा ध्यान दीजिए, आपके जो मंगल महाराज हैं वो भी शुक्र के राशि में गोचर करेंगे, तो शुक्र को बल देंगे, कहेंगे नहीं तू कर ले, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, तो कुछ ऐसी वैसी हरकत ना करिए, ठीक है ना, नहीं तो आपको परेशानी उठानी पड़ेगी। शुक्र के मंत्रों का जाप करें, शुक्र नकारात्मक प्रभाव नहीं देगा, नहीं तो प्रेम में परेशानी देगा, संतान के लिए परेशानी देगा, संतान से परेशानी देगा, और यदि आपने इसमें गर्भधारण कर रखा है तो गर्भ में परेशानी आएगी, तो डॉक्टर से नियमित रूप से मिलते रहिए, और यात्रा पे जब जाते हैं तो विशेष ध्यान रखिए अपना। चलिए, परमात्मा आपका मंगल करें, परमात्मा सबको खुश रखें, आपके लिए राधे राधे।